हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ट्रेंड फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लगा लीजिए और यहाँ पे लिखिए ट्रेंड। डेटा देख सकते हैं, कुछ इस तरह का डेटा हमारे पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ट्रेंड, तो जो ट्रेंड है यहाँ पे लिखा हुआ है नोन वाइज, तो ये वाइज है, इट मीन्स कि एक को एक्स समझिए एक को वाई समझिए। तो ये इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, फिर अब कह रहा है एक्स, तो ये एक्स वाला हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा रेंज, ठीक है। नीचे वाली ये रेंज नहीं है आपकी, यहीं तक आपको सेलेक्ट करना है। आप कॉमा देंगे, इसके बाद कह रहा है न्यू एक्सेस, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये यहां पर मैं अगर 10 सेलेक्ट कर लेता हूं, देखिए यहां पे मैंने 10 सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये 49.2 आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से ट्रेंड फॉर्मूला यूज करते हैं।